हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्लेवर्स बाय पीपी। आज मैं बनाने वाली हूँ एक एगलेस स्पॉन्ज केक, जो कि मैं बनाऊँगी कढ़ाई में। ये मेरी फर्स्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं एगलेस स्पॉन्ज केक। बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है, मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/4 कप ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है। 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये मैंने फ्लेवर के लिए लिया है क्योंकि मेरे पास कोई एसेंस नहीं है। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 कप पाउडर शुगर, ये मैंने घर में ही शक्कर को पीस कर लिया है, और 1/2 कप दूध। ये सारा जो है ये मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ है। ये दूध भी रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ठंडा या बहुत गर्म दूध नहीं है। मैं इसमें कोई पेपर नहीं लगा रही हूँ। मैं जो केक बनाने वाली हूँ वो मैं इस बर्तन में बनाने वाली हूँ, तो क्योंकि मैं इसमें कोई पेपर नहीं लगा रही हूँ तो इसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। आप इसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर सकते हो। एक्स्ट्रा मैदा को हम साइड में कर देंगे। अभी जो हमारा बैटर है ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिलाना होता है, इसमें हम उसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना पड़े। बस थोड़ी सी टूटी फूटी है, मैं इसको इस टूटी फूटी से डेकोरेट कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास ये कढ़ाई है, इसे मैंने प्रीहीट कर लिया है। नीचे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसे बेक करने के लिए, और एक स्टैंड रखा हुआ है, आप कोई भी प्लेट पीस के जगह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस बैटर को इसमें आराम से रख दूंगी, और ये लिड लगा दूंगी ताकि ये आराम से इसमें बेक हो जाए। मैंने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखा ताकि हमारा केक चले ना। यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसमें 15 मिनट्स और बेक करने से रखा था, अब ये अच्छे से बेक हो गया है। यहाँ पर बेक होने में टोटल टाइम 45 मिनट्स लगा है।
अब हम केक को टैप करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे प्लेट में आराम से उलट कर निकाल लेंगे। परफेक्ट, कितना प्यारा केक बना है।